गड़बड़ी हमारी बुद्धि से तुम हमसे पूछो तो गड़बड़ी गुरु में नहीं है, चेलों में होती है। हाँ, हमारा चेला चंगीला, एक हमारा चेला है चंगीला, बहुत ऊंचा चेला, ऊंचा मतलब समझ जाओ बहुत ऊंचा, इतना खतरनाक चेला के हम उससे पूछते हैं कि तुम कौन, बोले आई एम डेंजर मैन चंगीलाल। हम कहते वाह, हमारा चेला चंगीला। एक बार एक गुरु गांव में आए, गुरु जी गांव में आए, गांव में चेला चंगीलाल ने गौर से देखा, आ गुरु जी के तो बड़े जलवाए, रसगुल्ला छान रहे, रबड़ी छान रहे, दही छान रहे, लस्सी दे दबा के। चंगीलाल गरीब आदमी, उसने गौर से देखा, बोले इससे अच्छा तो ये नहीं कि संगे रहो, थैला उठाते रहो, रसगुल्ला छानो, रबड़ी छानो, मालपुआ खाओ, करना ना धरना मगन रहना। चंगीलाल रात के गाओ, बोले गुरु, अब झूठ मूठ के गुरु बनाए, गुरु। गुरु जी बोले हाँ, बोले गुरु अपना चेला बना लो। गुरु जी बोले भाई हम क्या करेंगे, वो गुरु कोई और नहीं, टिल्लू गुरु थे, जो गुरु जी थे वो कोई और नहीं, उनका नाम टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु बोले क्या बनाना चेला, चंगीलाल बोलो गुरु जी बना लो, माए क्या करोगे हमारे साथ, जो आप कहो, झोला उठाते रहेंगे, थैला सफाई करेंगे, पानी देंगे, खाएंगे भी। टिल्लू गुरु भी बोले देखो भाई साफ साफ कहना है, कभी सफर चट कभी छप्पन भोग, हमें दोनों मिलते हैं, कभी तो छप्पन भोग मिलता है, कभी सफर चट रहते हैं। चंगीलाल बुद्धि का कमजोर था, उसे लगा सफर चट भी कोई वीआईपी डिश है, उसे लगा कोई बढ़िया भोजन होगा। बोले दोनों चलेंगे गुरु जी, छप्पन भोग भी और सफर चट तो पहले। गुरु जी बोले नो प्रॉब्लम, यू कम हियर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चंगीलाल बड़ो खुश के, तो आनंद ही आनंद, कुछ करना ना धरना। टिल्लू गुरु दूसरे गांव में गए तो गांव वालों ने स्वागत किया, गुरु जी आ गए, आरती की, लड़ुआ लाए, बूंदी के, खाइए खाइए। तो कुछ गुरु जी ने खाए, चंगीलाल बोलो कुछ नाए भी सरकार, तो कुछ चंगीलाल ने खाए, रसगुल्ला खाए, पूरी खाई, पनीर की सब्जी खाई। अब तो चंगीलाल बड़ो खुश, बोले ऐसे गुरु तो बड़े मुश्किल से मिल रहे, कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं, थैला ही भर तो वाले ना, दबा के खाओ। तीसरे दिन गुरु जी जंगली जंगल चल पड़े, दिन भर चलत रहे, शाम के चार बज गए, चार। चंगीलाल के पेट में चूहा से लोट है, अब वो बार बार देखे के कहूं जी रुके भाई साहब, कोई कुछ लाए, भाड़ में गो चल ही चल रहे दिन भर से। तो तीन चार बेर आगे आगे जाके, गुरु जी अब कहीं डेरा जमाओ, कुछ हो जाने दो, पंगति हो जाने दो। गुरु जी बोले थोड़ा हो, चलते चलते जब थक गए तो एक जगह गुरु जी ने आसन बिछाया। अब चेला ने सोचा शायद कोई यहाँ चेला रहता होगा, वो आएगा, मालपुआ लाएगा, रबड़ी लाएगा, खबाएगा। कैसे गुरु जी की तो थैला में कछु है ही नहीं, हम ही नहीं, तो आएगा। बहुत देर हो गई, जो गुरु जी ने आंखें नीची, ध्यान करो, पूजा पाठ शुरू करी, तो चंगीलाल बड़ो हैरान के आंखें खोलो, अब बार बार ताली बजाए के इन्हें और आंखें मीच के धल, एक तो दिन भर के भूखे, ऊपर से जी आंखें मीच के रह गए, सो कमू जमु आई ले राम 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 राम, ताली बजाए, और गुरु जी की तरफ देखे, जगे के नहीं जगे यार। और गुरु जी इतने बड़े बारे के गहरी आंखें मीच गई। अब चंगीलाल को दिमाग खराब के लगे, तो अच्छो हला दिए गुरु जी। बहुत देर बाद जब गुरुजी ने आके गोली, तो चंगीलाल ने पांव पड़े, गुरुदेव दिन भर हो गई, कुछ चेला की तरफ तो देखो, आप तो मजबूत तपस्वी आदमी, इधर तो देखो। गुरुजी बोले दरअसल तो मैं बताना भूल गए, दरअसल आज छप्पन भोग नहीं है, आज तो सफर चट है। चंगीलाल बोलो भाड़ में गो, वो ही निकार प्राण हमारे कर रहे, सफर चट निकार जान धरो, वो लोग आके निकार। गुरु जी बोले थैला लाओ, तो चंगीलाल को लगा कि कोई डिश होगी, सफर चट पूरी जैसे ही होती होगी, कचौड़ी जैसी। गुरुजी ने अपना बैग खोला, राख निकाली, बोले कमंडल ला, आधे कमंडल का पानी एक दोना में भर लिया, आधे कमंडल में पौवा भर राख घोर के पी गए। चंगीलाल ने गौर से देखो, बोले गुरुजी जो का है। गुरुजी बोले इसी का नाम तो सफर चट है। चंगीलाल बोलो राख पिवा है,
राख को वह सफर चट कह रहे, अरे महाराज पथरी पर जे पथरी। गुरुजी बोले थे तो महीना भर में 10-15 दिन सफर ही चट चला। चंगीलाल बोलो तुम्हारी जय जय सीताराम हो। हम कहे ठटरी बरवा भी आए थे, हमें नहीं महाराज सफर चट खाने कुछ हो तो ले आओ। गुरुजी बोले सफर चट के अलावा कुछ नहीं है। चंगीलाल बोलो अच्छा जो बताओ जी कितने दिन चला सफर चट। गुरुजी बोले 10-12 दिन तो महीना में हो ही जा। बोले दो ही टाइम कि एक टाइम सफर चट दूसरी टाइम कुछ। गुरुजी बोले कई दिन तो 3-3 टाइम सफर ही चट। चंगीलाल बोलो हमें तो 2-3 दिन में मर जाने, पेट में पथरा पर जाने। उन्हें मूड़ धर के परे पाओ। बोलो गुरुजी अब बोरो न मानो जो थैला पाओ। गुरुजी बोले कहे बोले हम अपने घरे ही ठीक हैं, हमें बस सूखी साजी रोटी, हमें बस तुम्हारी रबड़ी नहीं खाने हैं। तुम्हारी रबड़ी के चक्कर में पथरी और पर जे। बोलो सीताराम तो गुरु की नौकरी में ये भी कभी कभी मिलता है। ये हम उन्हें बता रहे कि कई बार व्यक्ति बागेश्वर धाम की चकाचौंध के चक्कर में आ गुरु जी तो बड़े हाई फाई, तो कई बार दो दो चार चार दिन सोवे भी नहीं मना था, काम छूट जा तो उस चक्कर में जो है कि दीक्षा मत लेना, कभी शिष्य मत बनना। पर सच बोल दें चेला चाहे जैसा हो गुरु तो आखिर गुरु होता है।